हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। केमिकल काइनेटिक्स कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है केमिकल काइनेटिक्स में? तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने देखा था, बेसिक्स देख लिए हमने केमिकल काइनेटिक्स के, कि क्यों हम केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी पढ़ते हैं, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। फिर हमने देखा था फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं, स्लो रिएक्शंस ये भी देख लिया। उसके बाद हमने देखा था रेट कैसे लिखते हैं, ठीक है, रिएक्शन की दर, रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन की रेट, उसकी दर क्या होती है, ये देखा। उसके बाद हमने रेट किस तरह से उसको लिखते हैं रेट को, ठीक है, इस तरह से आपको बताया था, वो देखा। फिर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता, वो देखा। उसके बाद हमने रेट कॉन्स्टेंट भी देख लिया। तो ये सब हमने देख लिया। अभी हम क्या देखेंगे आज? तो अभी जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब समाकलित वेग नियम। जैसे आप रेट लिखते हो कि रेट ऑफ द इक्वेशन, आप रेट कैसे लिखोगे, लिखते हो ना आप ऐसे रेट ए, जैसे कोई भी ये रिएक्शन है अगर ये कोई भी रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो आप जो दर नियम रेट लॉ लिखते हो, तो रेट लॉ आप इसी तरह से लिखते हो। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे माइनस डी ए बाई डी टी। आपने ये सीखा हुआ है कि रेट इस तरह से लिखना है, फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा। अब आप ये रेट कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था कि एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, फिर ये पॉइंट बनाते हैं, इस तरह से पॉइंट बनाते हैं, ऐसे ग्राफ बनते हैं। वो पॉइंट बनाने के बाद से जो स्लोप निकाल लेते हैं हम, ठीक है, एक कर्व आता है पूरा, फिर कर्व से, ऐसे कर्व से हम स्लोप बनाते हैं। स्लोप से हम क्या करते हैं कि ऐसे जो रेट निकाल लेते हैं, या मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें जब आप रेट निकालोगे तो आप ये यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो नहीं निकाल सकते, ठीक है, इस वाले लॉ से, इस नियम से। तो इसलिए क्या होता है कि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट का मतलब समाकलित करते हैं, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन आता है, जो फॉर्मूला आता है, वो हमको क्या करता है, किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है? तो वो हमको रिलेशन बताता है टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में, और रेट कांस्टेंट के बीच में, टी के और कंसंट्रेशन के बीच में। तो उससे हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं और रिएक्शंस की ज़्यादा डिटेल्स पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब समाकलित वेग नियम, ठीक है, डिफरेंशियल फ्रॉम इज इनकन्वीनियंट इन डिटरमाइनिंग रेट लॉ एंड हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उससे अभिक्रिया की कोटि निकालना मुश्किल है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ डायरेक्टली रिलेट एक्सपेरिमेंटल डाटा, टाइम, कंसंट्रेशन एंड रेट कॉन्स्टेंट। तो उससे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ समाकलित वेग नियम से टाइम, कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली रिलेट होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अब जो समाकलित वेग नियम है वो अलग अलग हम रिएक्शंस के लिए देखेंगे। जैसे पहले हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती हैं, जैसे कि ये रिएक्शन है आपकी, इसके लिए हम रेट लॉ लिखते हैं, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे शो होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये रेट बराबर, इसको इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि जो ए की जब पावर जीरो होती है तो वो आंसर कितना आता है, वन आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन जैसे शुरू होती है, मान के चलो जब शुरू हुई तो उसका रेट था, हम अभी यूनिट की बात नहीं करते हैं, इसका ये रेट था पाँच, कुछ टाइम निकला, 10 मिनट निकल गए, 10 मिनट के बाद भी इसका रेट 5 ही रहेगा, ठीक है, 5 मोल पर लीटर सेकेंड। तो ये जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। जो आपकी फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या कम हो, रेट जो होगा वो एक समान ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ मैं रखता हूँ, इधर मैं रखूंगा रेट और इधर रखूंगा कंसंट्रेशन,
कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। तो ये ग्राफ क्या ऐसे बनेगा? अब ऐसे बन रहा है, क्या ये ग्राफ ऐसे बनेगा या फिर क्या ये ग्राफ ऐसे बनेगा? अब आपको तीनों में से बताना है कि क्या सही है। तो आप देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे आपका रेट बढ़ रहा है। जैसे इधर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे रेट कम हो रहा है। और इधर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है रेट पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा। तो जीरो ऑर्डर में यही ग्राफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई प्रभाव या कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। किस पे? रेट पे, दर पे। तो वो क्या है? एकदम कांस्टेंट है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमको ऐसी ही रिएक्शंस का क्या पढ़ना है? हमको उनका इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना है, समाकलित वेग नियम पढ़ना है। तो देखेंगे कैसे उसको डिराइव करना है पूरा। तो जब हम पूरा डिराइव कर लेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा? हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आएगा के, के का मतलब रेट कांस्टेंट है, ठीक है, वन बाय टी, और यहाँ पे ए, ए नॉट ए, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। आपको सबका मतलब बताता हूँ। के बराबर हमारा है, रेट कांस्टेंट है, टी हमारा टाइम है। अभी क्लियर हो जाएगा, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा है इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, और ये है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, किसी भी एक टाइम पे सांद्रता, ठीक है, यहाँ पे टी, ठीक। बहुत से बुक्स में इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को एक्स लिखा हुआ है। एक्स का मतलब क्या है कि ये है प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन। मान के चलो इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है, 5 सेकंड के बाद जो कंसंट्रेशन हो गई 5, ठीक है, तो ये हो गया आपका ए। और ये यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाना, ध्यान रखना है, यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ऑर्डर, यहाँ पे लगाना है ज़ीरो, और ये ए टी, टी बराबर क्या है? 5 सेकंड। तो इसको और इसको जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा? एक्स आएगा, एक्स बराबर क्या हो गया? 5, ठीक है। तो बहुत सी बुक्स में सीधे यही लिखा हुआ है। तो अगर इसको हम एक्स लिख देंगे तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? के एक्स बाय टी बन जाएगी, ठीक है। तो ये रेट कॉन्स्टेंट का रिलेशन, ये हमारा सांद्रता, और ये सबका रिलेशन आ गया। अब हमको ये डिराइव करना है कि हम ये कैसे डिराइव करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखो, आप सबसे पहले आप लिखोगे कि हम कोई भी एक जनरल रिएक्शन मानते हैं, ए बराबर प्रोडक्ट, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, कोई भी एक अभिक्रिया लेते हैं, ठीक है। और अगर मान के चलो हम ये मानते हैं कि ये रिएक्शन आपकी क्या है? जीरो ऑर्डर है। तो हम यहाँ भी लिखते हैं कंसिडर अ फॉलोइंग रिएक्शन विच इज जीरो ऑर्डर, एक ऐसी अभिक्रिया मानते हैं जिसका अभिक्रिया की कोटि क्या है? शून्य है, ठीक। तो अब उसके लिए हम रेट, जो दर नियम, रेट लॉ लिखेंगे, तो रेट बराबर के, रेट बराबर माइनस डी ए बाय डी टी के ए, और यहाँ पे जीरो, ठीक। इतना क्लियर है हमारा यहाँ पे, तो ये माइनस डी ए डी टी, एक स्टेप और कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के, यहाँ पे लिख दो कि बिकॉज ए की पावर ज़ीरो बराबर वन होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसकी हम कर देंगे साइड चेंज, साइड चेंज करोगे तो माइनस डी ए के इंटू डी टी, ठीक है, माइनस को चाहो तो आप उधर ले लो, तो ये हो जाएगा डी ए माइनस के डी टी।
अब यहाँ पे हम दोनों साइड समाकलन कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगा a। ठीक है, इंटीग्रेशन करने का क्या मतलब होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को एक बड़ा बना, पूरा वो बड़ा जोड़ देना, सबको जोड़ देना, इंटीग्रेट कर देना। तो जब हम छोटे छोटे ऐसे स्मॉल ये dh को जोड़ेंगे तो वो पूरा क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a और इसको कर देंगे k dt, तो k तो कॉन्स्टेंट है तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, dt क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। तो ये माइनस k t, यहाँ पे लगा देंगे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट जिसको हम बोलते हैं c। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर C is an integration constant। यहां तक सब क्लियर है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे हम। तो कंडीशन क्या लगाएंगे हम, कंडीशन लगाते हैं इस इक्वेशन को, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, इसको हम वन नाम दे देते हैं, a माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, वन इक्वेशन फिर लिख दी मैंने यहाँ पे, एट टाइम टी इज इक्व टू ज़ीरो, मतलब जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी। ठीक है, एट टाइम टी इज इक्व टू ज़ीरो, तो जो a थी, जो कंसनट्रेशन ऑफ a होगा वो क्या होगा, a नॉट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये ऐसे मत करके आ जाना, पूरा गलत। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ये है। अब ये मान दिया, तो इस वैल्यू को बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां तक ठीक है, यहां तक भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो करेंगे क्योंकि यहाँ टी बराबर ज़ीरो रखा है, साइन लगाया। ठीक है, के इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस सी, तो हैंस सी बराबर क्या आ गया, ये जो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन टू। ठीक है, तो बाय फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो लिख दोगे यहाँ पे कि c की वैल्यू इक्वेशन वन में रखने पर, तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन वन, वन ही थी हमारी। ठीक है, वन ही है, हाँ। अब बस c की वैल्यू यहाँ रख दो, तो वन इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे a था, यहाँ पे k था, यहाँ पे t था, यहाँ पे प्लस c था, तो प्लस c की जगह हम क्या रख देंगे, तो हमारी इक्वेशन वन यहाँ पे माइनस थे। ठीक है, ए यहाँ पे देखो आप, इक्वेशन वन हमारी, तो यहाँ पे ऐसे के ऐसे लिख दिया हमने, प्लस सी था तो प्लस सी की जगह आ जाएगा ए नॉट। ठीक है, कोई माइनस नहीं है तो ए नॉट आ गया। एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ठीक। अब इसको साइड चेंज कर दो, तो साइड चेंज कर देंगे तो ये इसको इधर लिख दो, आपको इतनी स्टेप्स नहीं लिखनी, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए स्टेप्स जो थोड़ी बढ़ गई हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ए नॉट, फिर इसको इधर ले आओगे तो समझ में आ गया आपको, यहाँ पे प्लस, फिर ये इसको इधर किया था माइनस हो गया, और इसको इधर किया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, बस इतना है। आप चाहोगे तो इसको रिलेशन बनाओगे तो k a नॉट माइनस a बाय t, सिंपल है। ठीक है, तो हमने जब पहले पढ़ा था, मैंने आपको जब पहले बताया था ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, मैंने इसको यहाँ थोड़ा ऐसे ब्रैकेट खोल के रखा हुआ था, यहाँ पे ऐसे रख दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई। अब अगर
इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ए नॉट माइनस ए बराबर एक्स। ठीक है, तो ये रिलेशन किसके लिए आया, ये आया जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हमको ध्यान रखना है। एक्स को फिर आप ध्यान से समझ लो कि ए क्या है, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट, और ये वाला जो ए है इसको बहुत सी बुक्स में ए टी भी लिखते हैं, जो कि सही भी है। तो ए नॉट मतलब जीरो टाइम पे, और ए टी मतलब जब एक टाइम निकल गया, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड निकल गए, तो इतने टाइम में कितना कंज्यूम हुआ, तो वो जो है वो बताएगा क्या, एक्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, H2 प्लस Cl2, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई और दे दिया 2HCl। तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है आपकी जीरो ऑर्डर। तो इस रिएक्शन को करते कैसे हैं, ऐसे एक ट्यूब लेते हैं, बहुत ऐसे एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, पानी में होती है ऐसे, फिर उसको लाइट देते हैं, एक साइड से वो खुली होती है, दूसरी साइड से बंद होती है, उसको ऐसे सनलाइट दी जाती है, उस यहाँ पे दोनों गैसेस होती हैं H2, ये दोनों गैसेस फॉर्म में लेते हैं, H2 बनता है और Cl2 बनता है, ये भी गैसेस फॉर्म में बनता है, लेकिन अभी बताता हूँ आगे। तो यहाँ पे H2 फिर Cl2, यहाँ पे सनलाइट दी जाती है HNO, तो जब HNO दी जाती है तो दोनों फटा एकदम से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं। ये जो HCl की गैस होती है पानी, यहाँ एक साइड खुली रहती है तो पानी में डिजोल्व होती है, पानी में जब डिजोल्व होती है तो ये जो पानी है ये नली के ऊपर चढ़ता है, ठीक है, तो वो जो पानी ऊपर चढ़ने का जो रेट होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन भी होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रेट और यहाँ पे लिखते हैं कंसंट्रेशन। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन तो कम होगी, क्यों, क्योंकि ये तो यूज़ हो रहे हैं, तो यूज़ हो रहे हैं तो कम होगी, लेकिन क्या होता है कि जो पानी के ऊपर चढ़ने की जो रेट है वो बराबर ही है, मतलब जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, ऐसा नहीं हो रहा जैसे यहाँ मार्क लगा हुआ है तो वो एक मिनट में इतनी है, तो जैसे जैसे कंसंट बराबर बिल्कुल एक सेम उससे रेट से वो बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। तो आमतौर पर क्या होता है कि जिन रिएक्शन में ऐसे सनलाइट होती है, या जैसे ये रिएक्शन है N2+2H2, टंगस्टन की प्रेजेंस में W कैटलिस्ट है यहाँ पे और ये 2NH3 है, तो ये भी क्या होगी, जीरो ऑर्डर होगी। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं जहाँ पे ऐसे कैटलिस्ट हो या सनलाइट हो, वो आमतौर पे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ही होती हैं। ठीक है, तो अभी वापस हम आ जाते हैं इस इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख के देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ, के था ए नॉट माइनस ए टी, तो ये इसको ऐसे लिख देते हैं KT ए नॉट ए। तो अगर आप इसकी साइड चेंज करोगे तो यहाँ पे ए इधर आ जाएगा माइनस KT। तो अगर आपने एक इक्वेशन पढ़ी हो Y=mx+c, तो इसको बोलते हैं सीधी रेखा का समीकरण, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में क्या होता है, जैसे दो वेरिएबल्स हैं, दो ये जैसे चेंज होते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन होती है ना, तो वो हमेशा कैसे बनती है आपकी, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ऐसे जब ऐसी कोई इक्वेशन होती है, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन होती है, तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, तो ये हमको ऐसा ध्यान रखना है। तो अब हमने भी क्या करा, ये जैसे हमारा वाई बन जाएगा, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा n और ये हो गया हमारा c। तो ये c क्या है, जो ये इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो ये हमारा इंटरसेप्ट क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और अगर हम जब यहाँ पे क्या करेंगे, y यहाँ पे हमारा है कंसंट्रेशन और यहाँ पे हमारा है ये टाइम। ठीक है, ये x और ये y, और यहाँ पे जो स्लोप निकालेंगे, अब स्लोप कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट होंगे, जैसे आप एक ग्राफ बनाओगे तो यहाँ जैसे बनाया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट है मान के चलो, तो ये यहाँ पे आ रहा है
और यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये ज़ीरो, वन, टू, ये थ्री, और यहाँ पे ये वन, ये टू। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, एक्स वाई लिखेंगे तो टू और यहाँ पे थ्री। इसी तरह से ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, थ्री है यहाँ पे मान के चलो और यहाँ पे टू है, थ्री और टू। तो अब हमको इसका निकालना है स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालोगे, टू माइनस थ्री, थ्री माइनस टू, इसको और इसको माइनस, इसको और इसको माइनस, तो ये कितना आ गया, माइनस वन अपन वन। तो स्लोप आ गया नेगेटिव वन के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हम इस इक्वेशन को जब ऐसे प्लॉट करेंगे ना, ऐसी ये वाली इक्वेशन जब, तो हमको जो स्लोप मिलेगा वो किसके बराबर होगा, हमारे रेट कॉन्स्टेंट के बराबर होगा। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और हमको पता लगेगा। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फ़ायदा यही है कि हमको इससे जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती हैं। तो आपको ये इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस लेसन में हमने क्या क्या देखा, एक तो हमने ये देखा कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फ़ायदा क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, कुछ हमने दो एग्जाम्पल भी पढ़े। उसके बाद हमने ग्राफ देखा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। उसके बाद हमने इसकी जो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखी कि ये होती है। उसके बाद हमने इसका क्या देखा कि इसको डिराइव कैसे करना है, तो पूरी हमने डेरिवेशन देख ली, ठीक है, बहुत इजी डेरिवेशन है, ये हो गया। उसके बाद हमने जो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, दूसरा एग्जांपल बताया, फिर मैंने आपको ये इसको कंपेयर किया हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप थोड़ा सा अगर जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के उनको तो काफ़ी ईजिली समझ में आएगा, जो बायो बैकग्राउंड के हैं वो भी अगर सर्च करेंगे कहीं पे तो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूंगा अलग से लेसन बना के, तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये फ़ायदे हैं। तो अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन प्लॉट करेंगे तो हमको ये इंटरसेप्ट किसके बराबर हो गया, ए नॉट के बराबर, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर, और जो स्लोप हो गया वो रेट कॉन्स्टेंट के बराबर। स्लोप मैंने आपको निकालना बता दिया कि स्लोप ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये स्लोप किसके बराबर हो गया, माइनस के बराबर हो गया, ये हमारा एम है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया अभी, जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। थैंक यू सो मच।